गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया सह आचार्य संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में आए हुए उदाहरणों के अर्थ को जानेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने अच संधि प्रकरण के कतिपय दृष्टांतों के अर्थ को का ज्ञान करवाया किया था। शेष का हम इस कक्षा में अर्थ ज्ञान करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्तंडः सूर्यः शिवायं नमः, शिवजी को नमस्कार, शिवे ही, हे शिव आइए। शिवे ही का क्या अर्थ होगा? हे शिव आइए। दैत्यारी, दैत्यों का शत्रु अर्थात विष्णु। दैत्यारी, दैत्य नामक दैत्यों का शत्रु विष्णु। श्री ईशः, श्रीशः लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। श्रीश का क्या अर्थ होगा? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। होत्रिकारः, होता का रिकार। होत्रिकारः, होता का रिकार। हरे अव, हे हरि रक्षा करो। हरे अव, हे हरि रक्षा करो। विष्णोव, हे विष्णु रक्षा करो। विष्णोव, हे विष्णु रक्षा करो। गो अग्रम, गो का अग्रभाग। गो अग्रम, गो का अग्रभाग। चित्र गवाग्रम, विचित्र गो वाले पुरुष का अग्रभाग। गो गाय का, गवाग्रम गौ का अग्रभाग। गवाग्रम का क्या अर्थ होगा? गौ का अग्रभाग। गवाग्रम गौ का अग्रभाग। गवि गौ में, गवि गौ में। गवेंद्र, गवेंद्र गोस्वामी या गाय का इंद्र। आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, हे कृष्ण आइए यहाँ गौ चरती हैं। आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, हे कृष्ण आइए यहाँ गौ चरती हैं। हरि एतौ, ये दोनों हरि हैं। हरि एतौ, ये दोनों हरि हैं। हरि सिंह को भी कहते हैं। विष्णु इमौ, ये दोनों विष्णु है। गंगे अमू, ये दोनों गंगाएं हैं। अमी ईशा, ये अधिपति हैं। अमी ईशा, ये अधिपति हैं। राम कृष्णा वमु आशाति, ये बलराम और श्री कृष्ण बैठे हैं। राम कृष्णा वमु आशाते, ये बलराम और श्री कृष्ण बैठे हैं। अमुकेत्र, ये यहाँ है। अमुकेत्र, ये यहाँ है। ई इंद्रः, ओ यह इंद्रः। उ उमेशः, क्या यह महादेव जी हैं? क्या ये उमेश हैं? उमा का ईश उमेश। आयम नु मन्यशे, क्या तुम ऐसा मानते हो? आ एवं नु मन्यसे, क्या तुम ऐसा मानते हो? ओष्णम, कुछ गर्म। अहो ईसा, अहो ये अधिपति हैं, ये भगवान हैं। विष्णे इति, हे विष्णु ऐसा। विष्णे इति, हे विष्णु ऐसा। किम भुक्तम, क्या कहा? किमुक्तम, किम भुक्तम, क्या कहा? चक्री अत्र, विष्णु यहाँ है। चक्र को धारण करने वाला
चक्रियत्र विष्णु यहाँ है, गौरियौ दो गोरी, गौरियौ दो गोरी, व्याप्यस्वः वापी में घोड़ा, वाप्यश्वः वापी में घोड़ा, महर्षि महान ऋषि वशिष्ठ महर्षि, आरक्षत चला गया, आरक्षत चला गया। इस प्रकार अच संधि के ये दृष्टांत समाप्त होते हैं। अब हम हल संधि के उदाहरणों का अर्थ पढ़ेंगे। रामस्येते, राम सोते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रामस्येते राम सोते हैं, रामश्चिनोति श्री राम चुनते हैं, रामश्चिनोति श्री राम चुनते हैं, सारंगीन जय हे सारंगीन धनुर्धारी भगवान आपकी जय हो, सारंगीन जय हे सारंगी धनुर्धारी भगवान आपकी जय हो, विष्णः विचलना या गति विशेषण, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, रामषष्ठ राम छठा है, रामषष्ठ राम छठा है, रामस्टीकते राम आता है, रामस्टीकते राम आता है, पेष्टा पीसने वाला, पेष्टा पीसने वाला, तट्टिका यह टीका है, तट्टिका यह टीका, चक्रिंडोक से हे चक्रधारी आप जाते हैं, चक्रिंडोक से हे चक्रधारी आप जाते हैं, षठ संत छह सत्पुरुष, षठ ते वे छह, इट्टे स्तुति करता है, इट्टे स्तुति करता है, सर्पिष्टम सबसे अच्छा घृत, सबसे अच्छा की सर्पिष्टम, षण्णाम ये छह पुरुषों का, षण्णाम छह पुरुषों का, षण्णवती छियानवे, 96, षण्णवती छियानवे, षण्णगरीय ये छह नगरियां, षण्णगरीय ये छह नगरियां, संसष्ट छठा श्रेष्ठ है, संसष्ट छठा श्रेष्ठ, वागीशः बृहस्पति, वागीशः बृहस्पति, एतन मुरारी ये भगवान मुरारी है, एतन मुरारी ये भगवान मुरारी है, तन्मात्रम केवल वही, तन्मात्रम केवल वही, चिन्मयम ज्ञान रूप, चिन्मयम ज्ञान रूप, तल्लयः उसमें लीन होना, तल्लयः उसमें लीन होना, विद्वान लिखति पंडित लिखता है, विद्वान लिखता है, उत्थानम उठना या उन्नति, उत्थानम उठना या उन्नति, उत्तम्बनम उठना या उभारना, उत्तम्बनम, वाघरी बोलने में शेर, वाघरी बोलने में शेर, तच्छिव वह शिव, तच्छिव वह शिव, तच्छलोकेन उस श्लोक से या उसकी कीर्ति से, तच्छलोकेन उस श्लोक से या उसकी कीर्ति से, हरिम वंदे हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, हरिम वंदे हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, यशांसी बहु से यस, यशांसी बहु से यस, आक्रण से ते आक्रमण करेगा, आक्रमण से ते आक्रमण करेगा, मन्यते मानता है, शांतः शांत, अंकितः चिन्हित, अंकितः चिन्हित, अंचितः पूजित या गत, कुंठितः रुका हुआ, दांतः
जितेन्द्रियः, तांता जितेन्द्रियः। ये उदाहरण हो गए। इसके आगे कुछ उदाहरण और शेष हैं विसर्ग संधि के भी उदाहरण हैं, परंतु अभी जो आपकी हल संधि चल रही है उसके कुछ उदाहरण शेष हैं जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अस्तु।